हाय वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1,60,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 20% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है 1,60,000 पे एक साल के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 20% पर एनम। या देखिए पर एनम दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, पर एनम मीन्स एक साल का 20%, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड करना है क्वार्टरली। क्वार्टरली मीन्स 3 मंथ्स में। तो इसका मतलब कि कितने क्वार्टर्स होते हैं 1 ईयर में। देखिए 1 ईयर यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं आपको ये फाइंड करना पड़ेगा। तो 1 ईयर में होते हैं 4 क्वार्टर्स, राइट। तो 4 से हम पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है 20% पर एनम एक साल का, उसको इस यहाँ पर 4 से डिवाइड करके 20 में हम निकाल लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 क्वार्टर, क्योंकि 1 क्वार्टर कंपाउंड किया जा रहा है। 1 क्वार्टर में ही जो इंटरेस्ट निकल रहा है उसको कंपाउंड करके फाइंड किया जा रहा है इंटरेस्ट। तो यहाँ पर पहले निकालेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 क्वार्टर, सो ये हो जाएगा पर 20% होल अपॉन 4, 4, 5 जो 20, सो मिल जाएगा 5%। तो 5% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 क्वार्टर। अब हम क्या करेंगे कि फॉर द फर्स्ट क्वार्टर देख लेंगे क्या क्या हमारे पास है। तो फॉर फर्स्ट क्वार्टर के लिए हमारे पास है P आपका यही होगा 1,60,000 एंड R रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 5% ही लेंगे 1 क्वार्टर का। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 क्वार्टर का यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। पहले क्वार्टर में निकाल रहे हैं कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा, तो R इक्वल हो गया 5%। अब यहाँ पर सॉरी टाइम को लेंगे 1। क्यों लेंगे टाइम 1, क्योंकि यहाँ पर एक ही क्वार्टर का यूज़ कर रहे हैं हम। जितने भी क्वार्टर का यूज़ करेंगे सबके लिए टाइम तो एक ही लेंगे, क्योंकि 1 क्वार्टर के लिए निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो टाइम यहाँ पर 1 लिखने का मतलब ये मत सोचिएगा कि 1 ईयर का निकाला जा रहा है, ऐसा नहीं है, 1 क्वार्टर का निकाला जा रहा है। सो सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर मीन्स देखिए SI निकाल रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर के लिए। तो ये हो जाएगा PRT P × R × T अपॉन 100, फॉर्मूला यही लगेगा। पी इक्वल हो जाएगा 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाई 5%, 5/100 इनटू टाइम रहेगा 1। यहाँ देखिए 0 0 कैंसिल हो गया यहाँ पर, और 8 16 5 जो होता है 80, सो मिल जाएगा आपको 8,000। ओके ये मिल गया आपको 8,000 रुपीज़। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। अब निकालेंगे सेकेंड क्वार्टर के लिए। सिमिलरली फॉर सेकेंड क्वार्टर के लिए ठीक वही काम करेंगे। यहाँ पर P निकालेंगे, प्रिंसिपल क्या होगा सेकेंड क्वार्टर के लिए, जो पिछले क्वार्टर में जो प्रिंसिपल था उसमें ऐड कर देंगे जो फर्स्ट क्वार्टर में इंटरेस्ट आया था उसको ऐड कर देंगे, तो वो होगा प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड क्वार्टर, ठीक है। तो P इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर न्यू पी मीन्स न्यू प्रिंसिपल इक्वल टू 1,60,000 में हम ऐड कर देंगे 8,000। दिस विल बी 1,68,000, ठीक है। एंड ये हो गया आपका प्रिंसिपल। सो अब यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पता ही है 5% लग रहा है, और टाइम कितना है टाइम तो पता ही है 1 है। ओके तो अब यहाँ निकालेंगे SI सिंपल इंटरेस्ट। सो यहाँ पे पुट कर लेंगे प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम होल अपॉन 100। सो यहाँ पे हो जाएगा प्रिंसिपल है आपका 1,68,000 8,400 रुपीज़ इतना होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड क्वार्टर। सो अब हम निकालेंगे फॉर द थर्ड क्वार्टर, जो प्रिंसिपल होगा वो हो जाएगा, देखिए पहले जो सेकेंड क्वार्टर में जितना प्रिंसिपल था इतना था, इसमें ऐड कर देंगे ये जो इंटरेस्ट आया है उसको, तो आपका न्यू प्रिंसिपल हो जाएगा फॉर द थर्ड क्वार्टर। तो 1,60,000 उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है 5% रहेगा थर्ड क्वार्टर के लिए भी, और जो टाइम है वो 1 ही लेंगे फर्स्ट क्वार्टर 1 क्वार्टर। ओके सो ऐसा यहाँ पर निकल जाएगा कितना, सेम फार्मूला P × R × T 100 = अब हमें फोर्थ क्वार्टर लास्ट निकालना है। तो आप जानते हैं क्या करना है, ये पहले हम इस जो सिंपल इंटरेस्ट आया है उसको ऐड कर देंगे पहले प्रिंसिपल में थर्ड क्वार्टर के प्रिंसिपल में, और हमारा आ जाएगा फोर्थ क्वार्टर का प्रिंसिपल। आफ्टर दैट हम निकालेंगे सिंपल रुपीज एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पता ही है 5% ही रहेगा, एंड टाइम इज अगेन 1 इज फॉर 1 क्वार्टर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया सारा
सिंपल इंटरेस्ट फॉर इच क्वार्टर। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट? तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए या तो आप यहाँ पर फोर्थ क्वार्टर के बाद जो अमाउंट है वो निकाल लीजिए, उसके बाद फर्स्ट क्वार्टर में जो प्रिंसिपल था उसमें से माइनस कर दीजिए अमाउंट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। या फिर एक तरीका और है कि जितने भी ये फर्स्ट क्वार्टर में जैसे आया है 8,000 रुपीज़ एंड सेकेंड क्वार्टर में आया है 8,400 रुपीज़ इंटरेस्ट एंड द थर्ड क्वार्टर में आया है 8,820 रुपीज़ एंड द फोर्थ क्वार्टर में आया है आपका 9,261 रुपीज़। इन ये जो फोर सिंपल इंटरेस्ट आए हैं इच क्वार्टर में, इन सबको यदि ऐड कर देंगे तो दिस विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये तो इनको ऐड करके निकाल सकते हैं। या फिर मैं एक और मेथड बताता हूँ, यहाँ से फोर्थ क्वार्टर के बाद आप निकालेंगे अमाउंट। तो अमाउंट क्या होगा? अमाउंट मीन्स होता है प्रिंसिपल, मीन्स फोर्थ क्वार्टर में जो प्रिंसिपल था वो प्लस फोर्थ क्वार्टर में जो सिंपल इंटरेस्ट आया है वो, लास्ट में निकाल लेंगे अमाउंट। तो ये अमाउंट निकाल रहे हैं एट द एंड ऑफ, अमाउंट निकालने कब? एट द एंड ऑफ फोर्थ क्वार्टर। ये अमाउंट याद रखिएगा, केवल फोर्थ क्वार्टर मतलब लास्ट क्वार्टर या लास्ट हाफ ईयर या लास्ट ईयर के एंड में जो आता है हम अमाउंट वो निकालते हैं। तो पी इक्वल टू आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा यहाँ से क्या, अमाउंट में से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल। तो ये अमाउंट कौन सा यूज करेंगे और प्रिंसिपल कौन सा यूज करेंगे ये याद रखिएगा। तो अमाउंट यूज करेंगे लास्ट वाला जो अमाउंट आया है जो लास्ट में निकाला जाएगा, तो 194,481 में से माइनस करेंगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। तो फर्स्ट क्वार्टर में कितना था? 1,60,000। ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो कितना माइनस करने पे आएगा? दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर वन ईयर ऑफ 1,60,000 रुपीज़ कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, तो थोड़ा सा ये लंबा था और बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़े, तो मतलब ऐसे विदाउट फार्मूला यूज करेंगे तो ऐसे ही करेंगे आप, थोड़ा सा टाइम लगेगा और लंबा जाएगा। सो पेशेंस रखिए और सॉल्व करिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।